गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स के लिए बेसिकली एंड्रॉयड 12 विद वन ईयर 4.1 की अपडेट रिलीज कर रहा है। एंड यार यहाँ पे सैमसंग जो है वो मिड रेंज के स्मार्टफोन के लिए भी वन ईयर 4.1 की अपडेट रिलीज कर रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ बेसिकली अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यार आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि सैमसंग M51 डिवाइस के अंदर अपडेट जो है वो कब तक देखने के लिए मिलेगी, और मेनली यहाँ पे हमें अपडेट जो देखने के लिए मिलेगी वो वन ईयर 4 की अपडेट देखने के लिए मिलने वाली, या फिर से वन ईयर 4.1 की अपडेट देखने के लिए मिलेगी। आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो में कुछ भी पसंद आता हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट की हो या तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सैमसंग जो है वो अपने फ्लैगशिप के कुछ स्मार्टफोन्स के लिए, मिड रेंज के कुछ स्मार्टफोन्स के लिए फाइनली रिलीज कर दिया है वन ईयर 4.1 की स्टेबल अपडेट एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ बेसिकली अपडेट जो है वो रिलीज किया गया है। रिसेंट में ही सैमसंग M52 5G के लिए इंडिया में जो है वो अपडेट देखने के लिए मिली है वन ईयर 4.1 का। काफ़ी सारी न्यू फीचर्स के साथ अपडेट रिलीज किया गया है। अदरवाइज अगर हम बात करें कि M51 डिवाइस के अंदर अपडेट वो कब तक देखने के लिए मिल जाएगी, तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि M52 के अंदर जो है वो फाइनली अपडेट आ चुकी है। एंड यहाँ पे M51 का सक्सेसर जो है वो M52 डिवाइस निकल के आता है, तो ऑलमोस्ट M52 डिवाइस के अंदर अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल चुकी है। तो यार सैमसंग M51 डिवाइस के अंदर भी बहुत ही जल्द अपडेट जो है वो देखने के लिए मिलने वाली, जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लास्ट फर्मवेयर जो टेस्ट किया गया था M51 के ऊपर वो गाइस 9 मार्च 2022 को फर्मवेयर टेस्ट किया गया था, और एंड्रॉइड वर्जन में हमें एंड्रॉइड 12 देखने के लिए मिल जाती थी गाइस। उसके बाद गाइस यहां पे फिर 9 मार्च के बाद कोई भी फर्मवेयर M51 के ऊपर टेस्टिंग नहीं की गई है, और एंड्रॉइड वर्जन बेसिकली एंड्रॉइड 12 देखने के लिए मिल जाती थी। और गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी सारे टेस्टिंग चल रहे हैं सैमसंग के स्मार्टफोन्स के ऊपर, वो यहाँ पे वन ईयर 4.1 की टेस्टिंग चल रही है। इट मीन्स यार कि सैमसंग जो है वो वन ईयर 4 को स्किप कर रहा है और डायरेक्टली हमारे डिवाइस के लिए वन ईयर 4.1 की अपडेट जो है वो रिलीज करने वाला है। तो यार आप लोगों को अपडेट जो है वो बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाली है। बेसिकली आप लोगों के स्मार्टफोन्स के अंदर अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है मिड अप्रैल तक, तो आप लोगों को मिड अप्रैल का वेट करना पड़ेगा और फाइनली मिड अप्रैल तक अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट की यार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर देना। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।